और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और सीतापुर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में बवाल हो गया। और जो एक मुख्य महिला है, रामश्री नाम है उसका, वो वही संचालित करवाती है और उसके जो तार है वो बिहार से ज्वाइंट है, बिहार जाती भी है। मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाते हो, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी बातें बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करें, तब तुम निराश मत होना बल्कि आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हैं, इस समय में भारत देश में लगातार मसीहों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। उन जगहों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है। और आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा मसीहों को सताया जा रहा है। आए दिन मसीहों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, आए दिन मसीहों के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है, आए दिन मसीहों के ऊपर अत्याचार और हमला किया जा रहा है। यहाँ तक कि चर्चों को भी तोड़ा जा रहा है, पास्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको पीटा भी जा रहा है। मेरे प्रियो, एक वीडियो सामने निकल कर आया है जो कि उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीतापुर का है, जहाँ पर कुछ भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं और उसी दौरान कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर जाते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं और वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये लोग क्या धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, आप इस वीडियो क्लिप में देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और सीतापुर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने के मामले में बवाल हो गया। दोनों ही जिलों में लोगों को बैला फुसलाकर काफी समय से धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी खबर हिंदू संगठनों को मिली तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। पिछले कुछ महीनों में यूपी के अलग अलग जिलों में जबरन धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर यूपी के फतेहपुर और सीतापुर में लोगों का धर्मांतरण कराए जाने के मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया। फतेहपुर में भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराए जाने की खबर जब हिंदू संगठनों को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने वहां एक सभा का आयोजन किया था जिसमें 30 से ज्यादा हिंदू महिलाएं भी शामिल थी। उन्हें फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने को कहा जा रहा था। इस घटना की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। उनको ये बताया जा रहा था कि कोई राम कोई कृष्ण भगवान नहीं, सब जो है यीशु ही है, उन्हीं के माध्यम से सब होता है। और पाखंड वहां फैलाया जाता था, वहां ये कहा जाता था आंख ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। वहां धर्मांतरण जिस माध्यम से होता है, यीशु की किताबें भी मिली, वहां काफी चीजें मिली जो प्रशासन को अवगत है, प्रशासन के पास है भी। और जो एक मुख्य महिला है, रामश्री नाम है उसका, वो वही संचालित करवाती है और उसके जो तार है वो बिहार, उसके बाद में हम बात करते हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप में देखा और हमेशा से आप देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि उनका यही आरोप है कि ईसाई लोग गांव के भोले भाले लोगों को बहलाकर फुसलाकर पैसे देकर लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है मेरे प्रियो। और हिंदू संगठन के लोग वहां पर जाकर बस हंगामा खड़ा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा पर आ जाते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं हिंदू संगठन के जितने भी दल हैं, RSS हो, बजरंग दल हो, BJP हो, ये सारे लोग सिर्फ हंगामा करने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। और मेरे प्रियो, ये कहते हैं बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो भाई बहन है वो मैच्योर हैं। कहने का मतलब है कि वो छोटे बच्चे नहीं कि उनको बहलाकर और फुसलाया जाता है। और उनका ये कहना है कि पैसे देकर लालच देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा वीडियो है आपके पास, क्या सबूत है कि पैसों से भरा हुआ बैग हो, बंडल हो पैसों का, आप उसको बताइएगा। अगर आपने देखा है कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो आपको सबूत देना जरूरी है। कहे अनुसार सुने अनुसार तो कोई भी इंसान आरोप लगा सकता है, अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है पक्का
तो ये इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। और वहाँ पर पुलिस भी इन तमाशा को देख रहे हैं, वहाँ पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बजरंग दल के इस व्यक्ति ने क्या कहा? इसने ये कहा कि कुछ महिलाएं थी वहाँ पर जो हिंदू महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और एक मसीह बहन के ऊपर उसने आरोप लगाया कि इसका तार बिहार से भी जुड़ा हुआ है। और मेरे प्रियो, इसने ये भी कहा कि वहाँ पर बाइबिलें मिली, पुस्तकें मिली। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, जो मसीह लोग हैं उनके पास बाइबिल नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? और मेरे प्रियो, ये हमेशा से आराधना में अड़चन पैदा करते हैं। मसीह लोग तो कभी पूजा अर्चना में अड़चन नहीं पैदा करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में ये लोग ढोल नगाड़ा बजाकर इतना हंगामा करते हैं, उनको तो कोई कहते नहीं है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मसीही लोग किसी मंदिर में जाकर, किसी मस्जिद में जाकर उन्होंने कहा होगा कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो, इतना बखेड़ा क्यों कर रहे हो, कभी नहीं कहा। लेकिन हमारे भारत देश का संविधान कहता है कि तुम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हो, किसी में भी आस्था रख सकते हो। तो जब सुइच्छा से प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन देते हैं, तो ये लोग क्यों इतनी इनको जलन होती कि वो आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में जाकर वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देते हैं, बवाल खड़ा कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते हैं? मेरे प्रियो, इनके अंदर कोई अक्ल नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। क्योंकि धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी ने अड़चन पैदा की हो या किसी प्रकार की बाधाएं करी हो तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये धार्मिकता की बात है। और ये लोग हमेशा से जहाँ पर भी प्रार्थना होती है, जहाँ पर भी आराधना होती है, वहाँ पर जाकर हंगामा खड़ा कर देते हैं और कहे कही बात, सुन सुनी बात कहते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और झूठा झूठा आरोप लगा दिया जाता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, हंगामा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको बुद्धि दे, समझ दे। और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और उसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता, उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत ही भयानक बात है। जो भी परमेश्वर के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या जो भी परमेश्वर के खिलाफ बातें करेगा, परमेश्वर उसको दंड जरूर देगा। लेकिन हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करें कि ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड नहीं बल्कि उनका जीवन बदले, प्रभु को जाने और परमेश्वर की महिमा करें। और विशेष करके इन बहनों के लिए और इस कलीसिया के लिए ज़रूर प्रार्थना करें जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिनको धर्मांतरण का नाम दिया जा रहा है, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कलीसिया को, इन बहनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे और प्रभु उनको और स्थिर करें। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें राय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह की।